में जब मैंने बोला कि हम ये वॉर जीत चुके हैं क्योंकि हमारे पास एंड में ज्यादा शल्कर बॉक्स बचे थे और सेनपाई को हमने लूट लिया था, तो मेरे को सेनपाई का मैसेज आता कि दिस वॉर वाज अबाउट ब्लोइंग बेसिस नॉट अबाउट हैविंग मोर शल्कर्स। हमने सोचा तो एक और बेस तोड़ देते हैं, एक और सेनपाई का बेस तोड़ देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी हैव सेनपाईज अनदर फर्स्ट एवर बेस। और यहां तक हम पहुंचे कैसे? वेल, ये काफी लंबी स्टोरी है, तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और चलिए। सो एज यू कैन सी, हमारा अपोनेंट हारने के बाद भी हार मानने को रेडी नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको एक और भर धूल चटानी पड़ेगी। बट वो करने के लिए हमको उसका बेस ढूंढना पड़ेगा और लापता SMP में कोई भी बेस ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और पूरे सर्वर में सिर्फ दो लोग थे जिनको वो बेस के बारे में पता था, एक तो था सेनपाई और दूसरा उस टाइम का उसका टीममेट DOP। तो हमने सोचा कि DOP को टारगेट किया जाए और उससे बेस के कॉर्ड्स निकलवाए जाए, इसलिए हमने DOP के लिए मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स रखे ऐसे रैंडम जगहों पे और फाइनली उसको एक लोकेशन पे बुलाया, क्योंकि DOP को लग रहा था कि कोई और बंदा उसके लिए कॉर्ड्स रख रहा है तो वो सारी बातें हमसे शेयर करता था, तो मुझे पूरी डिटेल्स पता थी कि वो कब तक वहां पे आने वाला है। तो जैसे ही वो फाइनल जगह पे पहुंचने वाला था, मैं भी रेडी हो गया और उसका वेट करने लगा। ओके, यहां पर चेस्ट है, एरो बन रहे हैं, लस्सी पीछे देख। मुझे आपसे काम है भाई, यार मैं कुछ नहीं करूंगा। अब सुनो, हमको आपसे कोई लेन देना नहीं, हमने आपको मारा था उसे भूल जाओ। हाँ वही, उसे फिलहाल के लिए उसे भूल जाओ, हमको चाहिए आपका टीममेट सेनपाई स्पॉट। हाँ हाँ बताओ। उसके बेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको, दे दो, कुछ नहीं करेंगे, बेस के कोऑर्डिनेट्स दे दो। ओके बताता हूँ मैं, ये रियल वाले कोड्स। डीओपी मजाक, मेरे को जाना होगा। रुको, डीओपी भाई वापस आओ। आप ये ब्लॉक्स क्यों तोड़ रहे हो? एक्चुअली एक सिंपल बात है, मैं सेनपाई को धोखा नहीं दे सकता, वो ही एक इंसान था जिसकी वजह से मैं आज मैक्स आउट हुआ हूँ, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? भाई देख, हमको तेरे से कुछ नहीं करना, सीधी बोल रहा हूँ मैं, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, दे दे एड्रेस। एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरे थोड़े मेरे को अपना थोड़ा सा बदला चाहिए, तो तू मेरे को मारेगा? मार सकता हूँ, आप अकेले आए हो। रूल नंबर 1, डोंट मेस विद PSD 1। रूल नंबर 2, चैडी गैंग नेवर कम्स अलोन। बॉयज, क्या बोला था फैबिस भाई? यहाँ क्या बोला था? भाग मत कॉम्बैट लॉग में। तो फिर चड्डी गैंग, मैं आप लोग को चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों में स्पॉन पे आओ, पूरी गैंग लेकर आओ, जो भी सामान चाहिए वो लाओ, जितने बंदे चाहिए वो लाओ, और मेरे से फाइट करो, आपकी पूरी गैंग और मैं बस अकेला। जो 1v1 करना नहीं, 1v3 करना, चैडी गैंग को चैलेंज दिया था भाई ने, न्यू प्लेयर को मारने के लिए पूरी गैंग लेकर आए हो। भाई तुझे 1v3 करना था, कर भाई, हमको ये क्या बोल रहा था, तूने बोला ना आ जाओ चैडी गैंग, डरता नहीं हो, आ गए भाई चैडी गैंग, चाहिए थी तेरे को। मैं नहीं डरता एक्चुअली, नहीं डरता। गाइस वॉइस पेन ला, चालू कर भाई को, आप भी रुको भाई, खुद ही मस गया भाई, लो लॉल, 1v3 करने की इच्छा थी इस भाई की, तो ले दे दो भाई, करा दे तुमको, आजा ले भाई, एंड पे डाला, एंड पे डाला, कब तक डालेगा एंड पे? मस्ती नहीं डीओपी बेटा, मस्ती नहीं डीओपी, तेरे को 1v3 करना था, चड्डी गैंग से पंगा लेना था, क्या बोल रहा था तू? क्या बोलता है भाई, कुछ भी बोलता है अभी भाई, पेलो भाई इसको, इसने मेरे को वीकनेस दे रखा है। मेरे पास खाने के लिए आलू है, लेट्स गो गाइस। यार ये PVP के नाम पे भगा भगी ही चलती है भाई, ये सर्वर में भाई PVP करो यार, पूरी गेम को खत्म करो, क्या नाम है तुम्हारा? DOT बिल्कुल। ओके मेरे पोर्शन खत्म हो गए, लेट्स गो गाइस। अबे भाई तू आया क्यों था, ये तो बता दे। ये टोटम पॉप गाइस, ये रहे वो फेंक रहा है एंडरपल, फेंक रहा भाई, दो ब्लॉक दूर जाने के लिए एंडरपल फेंक रहा है भाई।
देयर यू गो, हेलमेट गॉन गाइस, चलो धोते धोते धो दो धो दो। ये एक और टोटम, ये ऐसा लगा डीओपी या 1v3 करेगा। मैं डीओपी चड्डी एंड मारेगा आखिरी सांस तक, एंड मैं कह सकता हूं कि मैं एक फाइटर हूं। हां वो तो है, आखिरी सांस तक लड़ा तो सही भाई, सही में वो आखिरी तक फाइट किया भाई। तेरे लिए थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए, डीओपी के लिए थोड़ी तालियां हो जाए भाई। थैंक्स थैंक्स। तो डीओपी वाला प्लान तो फेल हो गया भाई, वो मर गया लेकिन उसने फिर भी एड्रेस नहीं बताया। अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था क्योंकि सेनपाई तो खुद हमको बेस बताएगा नहीं, तो अब मेरे सामने गिव अप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड में एक छोटा सा सीक्रेट बेस ढूंढना एक बेवकूफी से कम नहीं होगा। लेकिन मैं तो बेवकूफ हूँ तो मैं निकल पड़ा भाई एक्सप्लोर करने, और सोचा कि भाई एक्सप्लोर करके हम बेस ढूंढेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया नेदर के साथ, मैंने बहुत सारे नेदर पोर्टल्स एक्सप्लोर किए पर कुछ नहीं मिला, अनटिल आई फाउंड दिस नेदर पोर्टल। नहीं वहाँ पे आ जाओ, रहने दो अभी, रहने दो वहाँ पे आ जाओ, फिर करते हैं साथ में। उसके सामने खड़े होंगे फिर लोगों का थोड़ा शक करने का वो घट जाएगा। मेन चीज़ तो हमें ये करना है कि लोगों को शक ना हो। लेकिन चलो पहले से थोड़ा अच्छा, पहले तो आते ही नहीं थे, अभी इतना पता है मुझे आ जाएंगे सारे, है ना। ऐसे पिछले वाले सीजन में पीएचपी आते ही नहीं थे, अब थे ना 20 था। पिछले लैपिस का भी यही सीन है भाई, वो कहता है भाई मेरे को आपसे डील ही नहीं करनी। ठीक है भाई रीपर जितने भी रास्ते मारते मारते चलना, क्योंकि चड्डी गैंग के पास अभी थोड़ी गरीबी आ रही है, क्योंकि जिसके साथ गन पाउडर डील करना है उसी का घर फोड़ने जा रही है बॉयज। लेकिन हमको नहीं चाहिए हजारों टीएनटी, वी ओनली नीड 9 और 10 टीएनटी। सेनपाई यार तू ये बता देना पैसे किधर भेजना है, इतने दिन से हम तेरे दिमाग में जो रह रहे हैं बिना रेट दिए। चलो बॉयस, बॉयस मतलब लैपिस बॉय। अरे चड्डी गैंग है ना, आपको 40,000 लोग देखते हैं, 40,000 चड्डी गैंग के अंदर है। हाँ भाई, सारे बॉयस जितने भी चड्डी गैंग के अंदर है सब लोग बॉयस, और गर्ल्स देख रही है तो आप भी बॉयस। चलो चलो एंटरपल से चलेंगे पूरा, ऐसा चल सीधे आ जाओ। बहुत एंटरपल अपने पास, और ये पता कहाँ से लाया हूँ मैं, ये भी सेनपाई के एंडरमैन फार्म से आई हुई है। उसके बीच तक सारा सामान हम लोग उसी का यूज करते हैं और उसी को खत्म करते हैं। ये यहाँ पे ये फोड़ दिया क्या उसने खुद ने, क्या क्रीपर फटा है? किधर किधर? ये गोलम, गोलम गोलम किधर है, गोलम किधर है? ये रहा भाई, इसे बोलते हैं चड्डी गैंग से पंगे लेना, हानिकारक हो सकता है। इसकी 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 एक्सलोटल एक और भाई, तीसरा पेट हमको आ चुका है इसके हमारे अंडर। चलो लैपिस भाई चालू करते हैं चड्डी गैंग का कार्यक्रम। लेट्स गो, मेंडिंग वाला विलेजर तो खत्म, टाटा बाय बाय। मेंडिंग गुड बाय ब्रदर, ब्रदर बाय बाय। मार दो मार दो, सबको मार देंगे। अरे भाई सॉरी, लगाते रहो स्पीड से लगाते रहो। ओके 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 ओके, नो वे, गोलम मारा चुंगांडी। तू किधर बचा है ब्रदर? फालतू ले, ये ले। अरे तुझे पता नहीं चड्डी गैंग से मंगा ले रहा, तेरे बॉस को मार, तेरी मार दिया भाई। तब फोड़ दो भाई इसको, लगना चाहिए ना भाई किसके साथ पंगे लिया। या लगना चाहिए, पता चलना चाहिए उसे चड्डी गैंग से पंगे लेता है वो। चलो लैपिस भाई निकलते हैं चड्डी गैंग बॉयज। सेनपाई तूने बोला था बेस का वॉर है, हमने एक्स्ट्रा बेस फोड़ दिया, इसलिए कौन जीता है वॉर? अभी खुद आके बोलना कि चड्डी गैंग जीती है वॉर। और एक बात तेरे को और बता, हमको तेरे सारे बेसिस पर, नेक्स्ट अप वी आर कमिंग फॉर योर स्पाइडर फार्म वाला। सब लोग सोचते हैं लैपिस भाई की चड्डी गैंग बहुत फट्टू है, कुछ नहीं कर सकती, और हम हर बार उनको प्रूव करते हैं गलत। और क्या बोलता है वो, अगर तुमने मेरे को घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हारा पोर्टल किडनैप कर लो। कर लो स्पॉट पे भाई, वो सबका ही ऑलरेडी सार्वजनिक है। दूसरी बात, अगर घोड़ा चाहिए फ्री में नहीं मिलेगा भाई। सेनपाई अगर तेरे को तेरा घोड़ा वापस चाहिए तो उसके बदले में तुझे हमको ड्रैगन एग देना पड़ेगा, और अगर तूने ड्रैगन एग नहीं दिया वी आर गोइंग टू किल योर हॉर्स इन माय नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। अगर घोड़ा सच में प्यारा है तो ड्रैगन एग दे दे और घोड़ा ले जा। और जितने भी लोग चड्डी गैंग में वो सब लोग है, सब लोग है या सब लोग हैं बॉयज? बॉयज बोलो भाई। ये सब तबाही देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कभी बनना ही नहीं था, मुझे तो बस एक पीसफुल लाइफ जीनी थी। इवन जब हमने सेनपाई का जो सबसे पहला बेस फोड़ा था उसके लिए हमने सेनपाई को सॉरी भी बोला था, और उसे ऑफर किया था उसका घर रिपेयर करने का, और हम उसे उसका घोड़ा भी वापस देने वाले थे, पर सेनपाई ने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं इसमें आगे बढ़ता गया। इतने सारे बेसेस फोड़ने के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यार ये सब सही नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना है, और इसी कारण मैंने फाइनली डिसाइड किया। सो दिस वॉज द लास्ट एपिसोड ऑफ चड्डी गैंग सीजन 1। जल्दी मिलते हैं।